आज विराट कोहली ने एक और बार दिखाया है कि दुनिया में इससे बड़ा बैटर हो नहीं सकता। चेज मास्टर, अनदर डे अनदर सेंचुरी, विराट कोहली गिव्स हिज हेटर्स अनदर 100 रीजंस टू क्राई। मतलब विराट यार वॉक इन द पार्क की तरह तो आदमी 100 मारता है, पता ही नहीं चला 100 कब हुआ। अच्छा 100 बनने में हमको लगा था 26 रन बचे पूरे, 26 रन दे छक्का दे छक्का दे चौका दे डबल आराम से बना दिया। सो आई थिंक जो लोग इसका आज आप देखो क्लास देखो, जब से क्रीज पे आए हैं सिंगल डबल देखो, एग्जीक्यूशन देखो, जो फ्री हिट पे सीधे का छक्का देखो, स्पिनर्स को छक्का देखो, चौके देखो, गैप्स देखो, आप कंपैरिजन करते हो। फिर से मैं बोलूंगा नो डिसरिस्पेक्ट, अगर बाबर आजम से कंपैरिजन करना है ना किसी का, प्लीज विराट कोहली का मत खड़ा कर। विराट बहुत आगे है भाई, उसे मेरा भाई कादिर खाजा आके बोल रहा है कि बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है विराट कोहली से। यार कुछ तो खुदा का खौफ करो आप, जिस तरीके का ये प्लेयर है, ऐसा प्लेयर भाई डेकेड्स में नहीं आता। ये वंस इन अ जनरेशन वंस इन अ लाइफटाइम टाइप का प्लेयर है भाई। ईज देखो, शॉट्स देखो आप, शॉट सिलेक्शन देखो आप, पोजीशनिंग देखो, कमांड देखो, कंट्रोल देखो, कहीं पे भी लगा ये फंसा, एक चांस दिया इस आदमी ने। रोहित शर्मा आउट हुए, श्रेयस अय्यर आउट हुए, शुभमन गिल आउट हुए, विराट आया ऐसा लगा ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है उसको। हंसी मजाक में बिल्कुल बांग्लादेश का जो इतना हवा बन रहा था कि बांग्लादेश इंडिया को हराती, उन्होंने बोला चुन्नू मुन्नू कुछ की मछली, चलो साइड। So I don't think के इस कॉम्पिटिशन में कोई भी इंडिया को, हाँ अब न्यूजीलैंड वाला गेम होगा तो थोड़ी टक्कर मिलेगी, मगर यार अल्टीमेट वेल प्लेड विराट। आप ये देखो ना यार बाबर आजम का, सच्ची बता रहा हूँ, पूरा करियर एक तरफ है। जो इसने आज छक्के मारे हैं ना, जो सीधे के छक्के मारे हैं, जो स्पिनर को छक्के मारे हैं, भाई पूरे पाकिस्तान की टीम से 2023 में एक छक्का नहीं लगा पावर प्ले, एक छक्का। आज जो इस आदमी ने छक्के मारे क्या वो मार सकता है? बस की नहीं, क्या है जो सीधे का छक्का इसने दिया है, जो एमसीजी में इसने सीधे का छक्का हारिस श्रॉफ को मारा था, जिस तरीके से यार ये शॉट देख, ये शॉट देख कहां से लेके देता है सीधा बॉटम एंड, इसका मतलब इसका बैट ही आता है इस तरीके, जैसे टेनिस खेलते हैं ना, टेनिस टाइप शॉट देता है सीधी, और ये कमांड ये कंट्रोल हर तरफ ग्राउंड के हर तरफ की शॉट्स है, हर तरफ की शॉट्स है। एंड एट विल बनाया सेंचुरी, आप ये सेंचुरी देखो, सबसे बड़ी बात देखो, जहां 26 रन चाहिए थे जीत के लिए, सबसे बड़ी बात 26 रन जीत के लिए चाहिए, वर्ल्ड कप का मैच है, इंडियन टीम भाई इतनी इजीली इतनी फ्रीडम इस समय इंडियन टीम के अंदर है, लग ही नहीं रहा वर्ल्ड कप का मैच है। एट हिज रिएक्शन लुक हाउ ही इज एंजॉयिंग, लुक उसने अपने आप को एक चैलेंज दिया कि 26 रन बचे हैं ना, उसने केएल को बोला तेरे को स्ट्राइक नहीं मिलेगी अब, केएल ने बोला पापा आप ही मार, मतलब पापा क्रिकेट के पापा, क्रिकेट के पापा आप मारो, उसने बोला मैं ही मारो, वो आया उसने चांस नहीं दिया। अच्छा रोहित भी हंस रहा है, कर क्या रहा है, बांग्लादेश के प्लेयर्स उस टाइम पे क्या सोच रहे होंगे, यार ये क्या जैसे हमारे स्कूल में रिसेस हुई है, ये हमारे टिफिन खोलने का टाइम हुआ है, ये कहां से आ गए पापा। अच्छा कोशिश भी पूरी चल रही थी, वाइडे दे रहे थे कि ना बने, छोड़ो मार मार के हालत बुरी कर दी 97 पे 103, मैं तो चाह रहा था कि तुम 300 मारते आज ना, ये आदमी 150 मार देता नॉट आउट। चेस में सब द प्योर विराट कोहली, लुक एट द शॉट सिलेक्शन, टेक्निकली इफ आई एक्सप्लेन टू यू भाई, यू गिव हिम अ गुड लेंथ लाइन, ही विल हिट यू आउट ऑफ द पार्क। आप इस आदमी का बैलेंस देखो, एवरी शॉट इन द बुक देखो। अच्छा जब इतना टाइम हो जाता है किसी को खेलते हुए ना, बॉलर आपको पकड़ना शुरू करते हैं, कोई तो आपकी कमी दिखती है। जैसे रोहित को मैंने क्या बोला था, जब आप शॉर्ट बॉल डालते हैं, रोहित को आज कैसे आउट हुआ, आउटसाइड द ऑफ स्टंप थोड़ी सी हाइट में शॉर्ट बॉल जो यहाँ आ रही है उस पर रोहित फंसता है, कैच खड़ी कर देता है। इसकी गेम में एक प्रॉब्लम दिख रही थी विराट की बहुत टाइम से, कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन पर फिफ्थ स्टंप पर वो भी नहीं दिख रहा आज। सारी के सारी दुनिया ने ट्राई कर लिया, आप लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा रहे हो, आप पेसर ला रहे हो, कोई गेम में डिफेक्ट ही नहीं है भाई, प्लेयर ऑफ द मैच। और सबसे बड़ी बात क्या है विराट कोहली की, इतना एंजॉय कर, सबसे अच्छी बात भाई सिंगल डबल देख लो, सारे गैप्स निकाल, जब ये पहुंच गया 95 पे भी किसी ना प्योर लेके दिखा दे दो सिंगल उस टाइम पे दुनिया में, तुम देखते हो छक्के चौके, मैं देखता हूँ इसका डबल, मैं देखता हूँ इसके सिंगल, जिस ईस्ट से निकला में कोई नहीं करता, 30 यार्ड के अंदर थी वहां से डबल बिटवीन द विकेट्स। डिफरेंस क्या है, लोग मरते क्यों है बीच में, लोग फंसते क्यों है बीच में, बाबर आजम जैसे प्लेयर फंसते क्यों है, स्ट्राइक रोटेशन ही नहीं है, आपके ऊपर स्पिनर लग जाए आपसे सिंगल डबल ही नहीं निकलता, आप टुक टुक करके डिफेंस करना शुरू करते, उस दिन आउट क्यों हुआ पाकिस्तान की टीम, आपने इतनी डॉट बॉल्स खेल ली, इतनी डॉट बॉल्स खेल ली, 100 तो डॉट बॉल खेल जाते हो आप। ये आदमी अगर फंस भी रहा है बीच में,
ये गैप में लिया, दो आ गया, गैप में लिया, मनोवर करता है बढ़िया से, दो डबल भागना, जब इसको छक्का और चौका चाहिए, किसी को भी लग रहा था ना मेरे को छक्का चौका मारना, इसने दो दुक्के ले लिए 91 के बाद। सबसे बड़ी बात है, आपको एंड का छक्का दिखेगा, आपको बीच का छक्का दिखेगा, चौका दिखेगा, लेकिन वो दो डबल्स को याद नहीं रखेगा, ये आदमी ही कर सकता है। और कोई ऐसा नहीं था कि बॉल बड़ी भाई, क्विक डबल था, तीसरी पिच पर बॉल गई थी, यहीं पे तो, यहीं पे तो विराट कोहली जो है वो शुभमन गिल, ईशान किशन इन यंगस्टर से आगे आता है, बाकी प्लेयर से आगे आते हैं, विराट के पास छक्के लगाने की कला भी है, विराट के पास इजिली सिंगल डबल निकालने की कला भी है। भाई विराट कोहली से जो लोग बाबर आजम का कंपैरिजन करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज मत करा करो, उसका शुभमन से भी नहीं बनता, ऐसे छक्के तो वो अपने सपने में भी नहीं मार सकता, और जिस तरीके से ये डबल सिंगल लेता वो भी नहीं हो सकता। बाबर इज अ वेरी गुड पाकिस्तानी बैटर, बट ऑन अ वर्ल्ड लेवल वो विराट से या इंडियन तो किसी बैट यार, वो रोहित शर्मा के बराबर ही नहीं है भाई। रोहित शर्मा जिस तरीके से, रोहित शर्मा बहुत बड़ा बैट, इनफैक्ट रोहित शर्मा और विराट इस वर्ल्ड कप में कॉम्पिटिशन हो रहा है ना, वो रहा है रोहित, रोहित एक इनिंग खेल रहा है उससे अच्छी विराट खेल रहा है रोहित। हालांकि अभी भी मैं ये बोलता हूँ, 6-7 रनों का अंतर, अभी भी मैं ये बोलता हूँ कि आप, अच्छा आप मेरे को बता दो अभी तक कौन बेहतर खेला है इस वर्ल्ड कप में, रोहित या विराट, पिक वन, रोहित, नो अभी तक एब्सोल्युटली नॉट, विराट कोहली, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई। पहला गेम आपका ऑस्ट्रेलिया, रोहित डक, हु स्कोर्ड इन दैट गेम, विराट कोहली, एंड यू आर चेसिंग ओनली 200, 80 मार गया, 100 छूट गया। नेक्स्ट गेम पे आ जाओ, अफगानिस्तान का 100 मारा रोहित ने, वहां पे विराट नॉट आउट है 50 कुछ, 100 यही मार देता स्कोर ही खत्म हो गया, हाई प्रेशर गेम थी। पाकिस्तान वाला गेम आ जाओ, 200 चेस करना था, बहुत अच्छा खेला रोहित उस दिन, बहुत अच्छा खेला, विराट अग्रेसिव होने के चक्कर में आउट हो गया, मगर रोहित ना बनाता कोई और बनाता, वो स्कोर ही कुछ नहीं था। रोहित ने अल्टीमेट इनिंग खेली, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम। आज वाला गेम देखो, रोहित ने बहुत अच्छी स्टार्ट दी भाई, अब पता है क्या एडवांटेज हो रही है, एक तो विराट कैप्टन नहीं है, फ्रीली खेल रहा है, एंजॉय कितना कर रहा है। सेकेंडली अगर रोहित ने 50 रन की स्टार्ट दे दी ना, तो विराट आपको फंस कहां रहे थे आपके, हमेशा ओपनर जल्दी आउट होता है, विराट कोहली आके फंस रहा था भाई। रोहित शर्मा जब इस फॉर्म में चल रहा तो साथ में विराट कोहली मिल जाए, साथ में शुभमन गिल मिल जाए, साथ में केएल राहुल मिल जाए, भाई लोगों ने हाथ जोड़ना शुरू कर दिया कि सीन को करेगा कौन, रोकेगा कौन। मैं यहाँ पर ये नहीं देख रहा भाई, मेरे लिए ये नहीं मैटर भाई, विराट बेटर खेला है रोहित, मैं कह रहा हूँ आपके दिल और धड़कन दोनों, आपके दिल और धड़कन रन से आप बना रहे हैं, तो बाकी के जो आपके नाम हो गए शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, उनमें कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। अगर टीम के दो सबसे सीनियर मोस्ट बल्लेबाज एक मैच आपको अफगानिस्तान वाला रोहित के शतक ने जिताया, आज विराट का शतक आ गया और उस दिन केएल राहुल का शतक मिस हो गया, जब चौका छक्का जो भी तरह रह गया, आप ये पॉइंट देख लो यार, द वे This time Indian batting is performing और Indian bowling ने आज इस लिहाज से comeback किया है। लक्ष्य जिस zone से ये बताता है कि prime combination, ये आदमी और मैं सिर्फ दोनों की बात करता हूँ, अभी शुभमन को भी छोड़ दो, शुभमन ने हालांकि जो दो छक्के निकल के मारे थे ना, अगर पूरी पाकिस्तान की टीम में कोई मार के दिखा देना मुझे तो मैं मान जाऊंगा उनको, जो बड़ी बड़ी बात है। खैर एनीवे, आप सिर्फ हार्दिक की भी बात करनी है, बिकॉज बहुत बड़ा झटका हार्दिक, आज सिर्फ रोहित शर्मा और आप विराट कोहली पे रहो, अग्रेसिव क्रिकेट, कैलकुलेटेड क्रिकेट। विराट कोहली का जो जोन की बॉल है, अगर पैर निकाल के इतनी आगे की बॉल को कोई सीधा छक्का मार के दिखा देना मुझे पूरी दुनिया में, तो मैं मान जाऊंगा, टेनिस की शॉट की तरह, ये पैर निकाला इतनी आगे, गुड लेंथ बॉल आउटसाइड दी ऑफ से, उसको मार रहा लॉन्ग ऑन का छक्का, उसके बाद आप स्पिनर पे शॉट देख लो, आप फुल टॉस पे देख लो, आप पूरा मनूवरिंग देख लो कि ऑन दी ऑफ साइड, ऑन द लेग साइड, अंडर कंट्रोल, अंडर कमांड, टोटली डोमिनेशन जिसको बोलते हैं। एंड इवन आप रोहित शर्मा देख लो, रोहित शर्मा ने शुरू से छोड़ा किसी को, दे छक्के मारने शुरू करे। अच्छा रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में जो उसने बोला ना वही कर रहा है, वही कर भाई, वो अपने रन के लिए नहीं खेल रहा, सौ के लिए नहीं खेल, वो पिछली बार भी 100 मार देता पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसने नहीं मारा हिटिंग के लिए, आज भी मार अपनी विकेट को, ये नहीं करा उसने कि मैं अपने रन बना लूं, मारते वही आउट हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कप्तान जब खड़ा हो जाए ना, जब कप्तान आपका निडर खेले, बेखौफ खेले कि कोई बात नहीं यार मैं आउट हो गया ना, नीचे तो ग्रेटेस्ट बैट्समैन पड़ा हुआ है ना, केएल राहुल भी पड़ा हुआ है ना, रविंद्र जडेजा पड़ा हुआ है, हार्दिक पड़ा हुआ है, सब है ना हमारे पास, कोई टेंशन नहीं है, मैं अग्रेसिव खेलूंगा, चाहे मेरी एवरेज कम हो जाए, जो बोला था रोहित ने, मेरी स्ट्राइकर ऊपर हो। सो आई थिंक रोहित जिस तरीके से खेल रहा है, प्लस विराट जिस तरीके से खेल रहा है, कहर बरपा दिया है, कोई यहाँ पे चलेगा नहीं, और टिश्यू पेपर आपको और भिजवाने पड़ेंगे पड़ोसियों को, बिकॉज शायद हम हार जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला। अच्छा बेटा वो दिखा दो फटाफट,
कि रोहित ने कितने रन मारे अभी तक, विराट ने कितने रन मारे अभी तक, इन दोनों का मेरे को देखना पूरे वर्ल्ड कप में, बिकॉज आई थिंक रोहित नंबर वन पे आ गया, विराट नंबर टू पे, 265 रोहित और 258 पे विराट कोहली, 7 रन का डिफरेंस है। और सबसे बड़ी बात क्या है, विराट कोहली क्यों ग्रेटेस्ट है, मेरी जान 4 मैच खेला है, 3 मैच में नॉट आउट है ये आदमी, 4 मैच खेला है, 3 मैच में नॉट आउट है। जहां आप बाबर आजम की बातें करते हो, नेदरलैंड के अगेंस्ट 25 पता नहीं क्या 18 बॉलर 5 रन, और श्रीलंका के अगेंस्ट चार मैच खेला है, 4 में से 3 नॉट आउट है, और अगर रन होते, अगर रन होते हर मैच में 100 मारता, अगर रन होते हर मैच में 100 मारता को देख लो, रोहित शर्मा आप देखो 21 और 22 का T20 वर्ल्ड कप इंडियन टीम में विराट कोहली अकेला चल रहा था, तभी टीम इतना अच्छा नहीं कर पाई। यहाँ पर रोहित अच्छा परफॉर्म कर रहा है, विराट पे प्रेशर नहीं आ रहा, अच्छा, दोनों फ्रीली परफॉर्म कर अच्छा, दो नॉट आउट है, लेकिन पहली मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 85 मिस कर गया, और बड़ा गुस्से में था विराट कोहली जब 100 मिस करे थे। उसके बाद अफगानिस्तान 55 नॉट आउट, पाकिस्तान के जल्दी खेलने के चक्कर में आउट 16 पे, आज 103 नॉट आउट, मतलब 85 55 16 103, कंसिस्टेंसी देख लो, टोटल 259 रोहित के कितनी पास पहुंच गए हैं, रोहित शर्मा का दिखा दो, रोहित शर्मा 265 है, विराट कोहली 259 है, बचेगा कौन इनसे यार, किसी को भी ले आओ यार, आप बांग्लादेश छोड़ो न्यूजीलैंड को ले आना, ये देखो रोहित कह रहे यार, अरे लोगों के झप्पी यार, जब से इनका एशिया कप में देखा था कमराडरी, मैं आपको बताऊं कब, आपको याद है एक ही मोमेंट बता दिया था, जब रोहित शर्मा ने वो स्लिप में कैच ली थी, जो बड़ी मुश्किल कैच थी, बट ही लेड बाय एग्जांपल से कैच, विराट कोहली जाके गले लगाया था, मैंने बोला ये वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, बिकॉज इससे पहले ये पॉजिटिविटी टीम में नजर नहीं आ रही थी, पॉलिटिक्स नजर आ रही थी जब विराट गया, बट विराट का बड़प्पन देखो, कप्तानी छोड़ दी, तीनों फॉर्मेट में छोड़ दी, कोई आपको यहां से खुंदक या ये नहीं नजर आया कि बैड ब्लड है, पूरा सपोर्ट कर रहा है रोहित का, हर मैच में रन मार रहा है, हर मैच में रन मार रहा है बॉस, अगर रोहित शुरू में 0 पे आउट हो गया, पहला मैच था ना नर्वस था, आउट हो गया, विराट ने 80 मारे, छोड़ा नहीं वहां पे, उसके बाद देख लो रोहित ने पीछे मुड़ के नहीं देखा ना, उसको एक सपोर्ट चाहिए था, 131 अफगानिस्तान, 86 पाकिस्तान, 48 आज भी ऑलमोस्ट 50 है, मार के मार मार के भरता, तो इस वर्ल्ड कप में अभी तक नंबर वन स्कोरर रोहित शर्मा 265, नंबर टू स्कोरर विराट कोहली 59, यार अल्टीमेट है अभी तो शॉर्ट सिलेक्शन गाइस, लेट मी सी आज इसका सिर्फ विराट कोहली का चार्ट दिखा, विराट कोहली का चार्ट दिखाना एक बार, विराट कोहली ने कितने छक्के चौके मारे, आई थिंक एक जो सीधा छक्का मारा यू सामने की तरफ, एक जो ये टेनिस वाला मारा यू, एक जो स्पिनर को मारा यहाँ पे, चौके कितने मार दिए, अच्छा इन सब में मिस हो रहा है केएल राहुल, भाई केएल राहुल ने जाके चौके लगाए थे ना, छक्का लगाया तगड़ा, श्रेयस मिस कर गया, मिस हो रहा है शुभमन गिल, शुभमन गिल ने मारा नहीं खेला, 50 मारे, दो छक्के मारे, 50 है, किस किस से बच जाओगे भाई, आप नहीं बच पाओगे, किस किस से बच लोगे भाई, लोग तैयारी कर रहे हैं भाई कि शुभमन है, श्रेयस, विराट का दिखा विराट, लेकिन ये दोनों उन लोगों के लिए नहीं छोड़ रहे, 136 के हैं, 135 है, दोनों छोड़ ही नहीं रहे कि भाई अभी तुम बच्चे हो, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी हम हैं भाई, विराट का आज वाले मैच हमारे लिए अभी नहीं, हमें अभी बनाने, तो हमें वर्ल्ड कप जीतना है भाई, तुम लोगों को बात, अभी तो ये सोच रहा है, दोनों छोड़ ही नहीं रहे, और ये देखो आप, ये देखो आप, 97 बॉल्स, 103 नॉट आउट, 6 चौके 4 छक्के, ठीक है ना, 6 चौके मतलब 24, 4 छक्के हो गए आपके, फिर से 24, 48 रन तो इसके बाउंड्रीज में आ गए, राइट, स्ट्राइक रेट ऑफ 106, उसके बाद आप 4 छक्के देखो क्या मारे और 6 चौके देखो, अच्छा 48 रन वैसे आए, अब 48 रन माइनस कर लो, 55 रन से आदमी भाग के ले, 55 रन भाग के ले रहा है विराट कोहली, वही तो फिटनेस है, हर बार इसकी इनिंग में सबसे बड़ी बात, छक्के चौके सबको पसंद आते हैं, बट किसी के बस की है 50-50 रन आज की क्रिकेट में भाग भाग के लेना, और उसी तरीके की फील्डिंग करना, और उसी तरीके की एनर्जी किसकी होती है विराट से ज्यादा फील्ड,
जो लोग इसके खिलाफ बकवास करते थे कि इसको ड्रॉप कर दो, इसको बाहर कर दो, उनके बस की है। जो लोग इसके खिलाफ एजेंडा चलाते थे, प्लीज टेल मी, इससे बड़ा प्लेयर कोई आया है इस जनरेशन में? अपने ही प्लेयर को नीचा दिखाते लोग, अपने ही प्लेयर को नीचा दिखाते, जबकि पूरे पाकिस्तान से पूछ लो जो बाबर के ही फैन है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, विराट का ही नाम लेता है। विराट से ऊपर प्लेयर ही नहीं है यार रियलिटी में आपको। अच्छा एस्ट्रोलॉजर का मैं सलाम करना चाहता हूँ भाई, उसने पहले प्रेडिक्ट करा केएल विलियमसन बाहर हो जाएगा, बाहर हो गया। उसने बोला हार्दिक पांड्या की इंजरी होगी, आज हो गई। एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट करा था विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है और लक्षित दूसरे नंबर में पहुंचना, तीसरे पे खेलना, दो नॉट आउट होना, 100 होना, 50 होना, 80 होना, तीन को जितवाना, ये बंदा रुकने नहीं वाला। इसके सामने कोई भी ऑपोजिशन डाल दो भाई, कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम विराट कोहली। ठीक है 2 साल खराब हो गए, आज ये याद दिला रहा है कि पापा को भूल गए हो, पापा को भूल गए हो ना, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग थे, भूल गए विराट कोहली कौन है। याद है एक टाइम पे हमारे जैसे लोग बोलते थे यार जितना मर्जी होगा विराट सचिन पाजी से आगे निकल सकता, बट जो इसने 2016 में खेला था भाई, जो ये हर रोज 2016 तो आंखें फटकी फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि कर क्या रहा है आदमी, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, हर गेम में आके IPL में 970 और तू देख थोड़ा सा फॉर्म में डिप आया जब कोरोना वगैरह आया, कप्तानी तीनों फॉर्मेट की कप्तानी भी चलेगी, बहुत बड़ा झटका होता है, बट वापस जिस तरीके से है, टेस्ट में मार रहा है, T20 में मार रहा है, वनडे में मार रहा है, आपका इसने लगातार बैक टू बैक सेंचुरी IPL में मारी इसने, ये रुकने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर प्रेशर खत्म हो गया कप्तानी का, अब ये बोल रहा है आ जाओ, और मैं तो चाह रहा था, मैं तो 2019 के बाद बोला था रोहित को कप्तान बना दो, इसको फ्रीली खेल दे दो, इन्होंने कर दिया लेट। अगर 2019 में रोहित कप्तान होता ना, T20 वर्ल्ड कप भी आप नाम लिखवा लो आप जीत जाते, बिकॉज तब से रोहित को टाइम मिल जाता। बट विराट कोहली जैसा प्लेयर ना तो आया है ना आएगा, सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर ना तो आया है ना आएगा। इसीलिए विराट कोहली के बारे में जो जो लोग मुंह खोलते हैं ना, प्लीज सोच समझ के खोला करें। हमें पता है अपने ही बंदे बड़े दुश्मन है, बट ना करा करो यार, ना करा करो। कितनी बार अपनी बेइज्जती कराओगे इस आदमी से यार, कितनी बार? अच्छा हर बार उनकी, गाने उनकी, उनकी, हर बार। छाती पे सांप लौटते हैं, जिस दिन 100 मार रहा था ना, छाती पे सांप लौटते हैं। मैं इसीलिए लिखता हूँ कि बार बार मैं इसीलिए लिखता हूँ कि भैया विराट कोहली गिव्स हिज हेटर्स अनदर 100 रीजन टू क्राई। इतनी बुरी तरह मारता है, बेरहमी से मारता है यार। अच्छा आज तो पता भी नहीं चला 100 कब हुआ, बिल्कुल पता नहीं लगा, जैसे ही रोहित शर्मा उसके बाद विराट है। और बड़ी खास बात पता क्या है, जब कोई और खेल रहा होता है, रोहित खेल रहे होते हैं, कोई और खेल रहे होते हैं, तो वो छक्के चौके लगाते हैं, तो पता लग रही होती है कि हाँ यहाँ पे पहुंच गए। विराट कोहली की खास बात है, और जो सबसे अलग उन्हें बनाती है कि वो आए हैं, चौका एक बीच में आ गया, सिंगल ले लिया, डबल ले लिया, वो सिंगल डबल खेलते 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 खेलते, क्योंकि स्कोरबोर्ड फिर धीरे चल रहा होता है, जब आप छक्का मारते हो तो तुरंत 6 रन ऐड हो जाते हैं, और जब आप सिंगल लेते हो तो थोड़ा सा धीमी आ जाता है वहां पे, लेकिन धीरे धीरे पता ही नहीं लगा हमें यार अब बंदा 100 पे पहुंच गया। और आखिर में आके तो ये जो कमाल हुआ भाई, ये हर दिन नहीं होता है कि आपको 26 रन शतक के लिए चाहिए, 26 रन जीत के लिए चाहिए, और आप 26 रन तो मजाक कर दिया था, ये हर दिन नहीं होता है सामने वाली टीम। और आप देखो ना, ये वर्ल्ड कप चल रहा है, ये कोई नॉर्मल मैच नहीं है कि भाई 26 रन चाहिए और आप आराम से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ल्ड कप चल रहा है यहाँ पर, और आप जो है टॉप पे नहीं है, नेट रेट थोड़ा टॉप पे नहीं है, कम हो गया, टॉप पे आई नहीं, नेट रेट कैसे हो गया था ना, मैं आपको कल न्यूजीलैंड का ज्यादा बड़ा है, इंडिया नंबर 2 पे ही है, हालांकि इंडिया भी अच्छा, पहली बार तालियां बजाता हूं, हम टॉप 4 में आ गए। आज के बाद आपको अगले 5 मैच में से 3 जीत जाओगे बहुत बढ़िया, 2 भी जीत जाओगे तो भी टॉप 4 में आ जाओगे। अभी भी जो है इंडिया नंबर 2 पर ही है, इंडिया जो है 4 में से 4 जीती हुई है, न्यूजीलैंड 4 में से 4 जीती हुई है, लेकिन मैं सरप्राइज हूं कि रन रेट हमारी थोड़ी कम है, तो फिर भी काफी ज्यादा है, +1.65 एंड न्यूजीलैंड की है +1.92। उसके बाद साउथ अफ्रीका 3 में से 2 जीती हुई है, पाकिस्तान 3 में, कल होगा असली मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बट यार हमें हराएगा कौन, न्यूजीलैंड लेवल पे नहीं देखो अभी आप पॉइंट टेबल देखो, अभी आता है पॉइंट टेबल पे, सेंचुरी तो हमारे ऊपर एक टीम है ना, सुपर चैट दिखा दो, सुपर चैट सेंचुरी का मतलब फाइट होगी, मतलब जितने इंडिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मैच में तो कोई कंपटीशन था ही नहीं, सभी मैचेस वन साइडेड थे, वहां पे फाइट होगी, इंडिया को लड़ना पड़ेगा थोड़ा। समीर कह रहे हैं ह्यूज विराट कोहली फैन हियर, बट गाइस क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, केएल सच अ सेल्फलेस गाय, वाज रिफ्यूज्ड हिज ओन 100 ड्यू टू पांड्या, वो बात कर लेता पांड्या से, भैया पांड्या की गलती है, केएल यू आर अ जेम, थैंक यू, बट नहीं केएल बहुत अच्छा खेला, तालियां, उसने सिंगल
आगे भी आ जाओ, आगे भी आ जाओ, कर लूंगा उसे आराम से छोड़, आगे आ जाओ भाई पढ़ो। ये बोल रहे हैं इफ अ प्लेयर इज अबाउट टू स्कोर 100 नो वाइड बॉल विल बी कॉल्ड, न्यू रूल डे बाय डे बीसीसीआई एंड देयर पेड अंपायर्स मेकिंग न्यू रूल इन क्रिकेट फिक्स्ड वर्ल्ड कप। बट यार जान बूझ के डाली जैसे मर्जी डाली हो, वहां पे अंपायर का थोड़ा सा आपको लगा भाई सेल्फिश चीज, उसने बोला जान बूझ के डाली मर्जी डाली हो, अंपायर के पास है वो पावर की नहीं दिया, चलो छोड़ो उसको यार, इतना बाल की खाल निकाले वाते सौ हो गया ना कुछ लोग आ गया। सिंगुलैरिटी बोल रहे हैं ही मे नॉट वेयर द क्राउन बट देयर इज ओनली वन किंग, सही बात है भाई, There is only one thing, जो at will आदमी 26 रन चाहिए और 100 मार दे, इतना कमांड गेम के ऊपर, इतना कॉन्फिडेंस कि रहन दे काका उधर ही खड़े रहे मैं मार रहा हूँ 100, टेंशन ना ले मेरा एक और 100 आ रहा है कोई टेंशन ना ले, आगे आ जाए कितने 100 एक सेंचुरी पीछे है, एक सेंचुरी पीछे है सचिन तेंदुलकर से, 48 सेंचुरियों का आई थिंक इस वर्ल्ड कप में ही इज मेकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इसी के बारे में आई थिंक वो हमारे यूएम 123 बोल रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। सर गले में अखरोट रख लो शायद ठीक हो जाए, ठीक है भाई आप मुझे दिखा देना वीडियो भेज के कि आपने कैसे रखा था तो उसको कॉपी करने की कोशिश करूंगा, थैंक यू यू 1 2 3। अरित्या भूषण बोल रहे हैं धोनी और कोहली की रनिंग बिटवीन द विकेट्स 2016 T20 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट मोहाली आज तक याद है, ही हैज गिवन फिटनेस गोल्स टू आवर जनरेशन, भाई फिटनेस में इससे कोई फिट ज्यादा है भी नहीं पूरी दुनिया में, इससे आगे कोई इस समय पर पूरी टीम में भी, आई डोंट थिंक के इससे बड़ा प्लेयर कोई आ सकता है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस के ऊपर आईकॉन बनने में, इस जिस दिन इसका मैच भी होता है ना तब भी जिम जाता है भाई ये सुबह, कोई बंदा इसे कंपेयर कर ही नहीं सकता, डाइट देख लो बंदे ने रोटी छोड़ी हुई है, वेजिटेरियन ये हो गया राइट। अच्छा जो लोग बोलते एक मेरे को बड़ी मजाक वाली बात लगती है, पाकिस्तानी दोस्त को बुरा ना मारे, बड़ा बोलते ना तुम्हारे लोग मीट नहीं खाते, बॉलिंग नहीं होती, दम नहीं आता, पेस नहीं आती, हमारे बॉलर तो फिर भी 140 के प्लस कर रहे हैं, शाहीन तो 140 भी नहीं हो रही उससे, मीट खाते हो ना आप लोग, अच्छा हमारा तो विराट कोहली मीट भी नहीं खाता, रोहित शर्मा भी जो है चलो जो मर्जी है, आपके बंदे सारे मीट खाते हैं, एक छक्का नहीं लगता आपसे, सही बात, पावर नहीं है क्या आपके बॉलर कराते 150 कुछ कुछ कराते हैं, सारे तो नहीं करा रहे 130 ही करा रहे, भागते हुए स्पिनर ही लग रहे शाहीन भी, आपके सारे प्लेयर से एक छक्का नहीं लग रहा, क्या फायदा मीट खाने का भाई, ये आदमी तो वेजिटेरियन होकर 4-4 छक्के मार रहे हैं, रोहित शर्मा तो आप ये मीट का जो बहाना देते हो, पावर क्या दिखाई है आपने, कौन से छक्के लगते हैं तुमसे भाई, पर सुशांत चलो ये बात एक तरफ होगी, बट अगर आप एक ऑन अ होल देखें इस पूरे वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम, पहला मैच आपको ऑस्ट्रेलिया के सामने विराट कोहली केएल राहुल मैच जितवाते हैं, दूसरा मैच अफगानिस्तान के सामने विद द बैट रोहित शर्मा साइंस, तीसरा मैच आपका पाकिस्तान के सामने केएल राहुल, जब रोहित और विराट थोड़ा डगमगा गए तो केएल राहुल वहां पर आपका काम समेट देते हैं, चौथा मैच आपके लिए सभी ने किया, रोहित शर्मा 50 से चूक गए लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी दे दी, शुभमन गिल की वहां पर 50 आ गई, आपके विराट कोहली ने यहां पर सेंचुरी बना दी, मतलब टीम इंडिया का 2019 तक कहा जाता था भाई टॉप 3 है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में श्रेयस के भी पाकिस्तान के सामने 50 आई थी, आप ये देखो कि आपका मिडल ऑर्डर भी चल रहा है, आपका टॉप ऑर्डर भी चल रहा है, हालांकि लोअर मिडल ऑर्डर तक कभी बात आई नहीं है, कोहली का रिकॉर्ड देख लो, विराट कोहली इज द फास्टेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट टू रीच 26,000 इंटरनेशनल रन, 26,000 रन